हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 12 में, और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ट्रायंगल को सॉल्व करना सीखा था, इन विच वी डील्ड विद द डिफरेंट केसेस ऑफ द ट्रायंगल। आज हम लोग बात शुरू करने लगे जी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के हवाले से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम किन फॉर्मूलाज को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड कब किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। देर आर डिफरेंट केसेज इन दिस एज वेल। पहले केस की आज इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं, वट इज़ दैट, कि जब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना हो, कब, इन टर्म्स ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, मुझे दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एंगल गिवन हो, देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला। इट सेज अगर यूजुअल नोटेशंस में हम लोग बात करें तो ट्रायंगल से एबीसी का एरिया क्या होगा आपके पास, हाफ बीसी इनटू साइन अल्फा। अगर बी और सी साइड्स आपको गिवन है तो बीसी का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, द एंगल ऑफ द थर्ड वर्टेक्स विच इज अल्फा। इसी तरह सी ए साइड की अगर बात हो रही है तो एंगल इसमें बीटा यूज होगा वर्टेक्स बी का, एंड इफ यू आर यूजिंग ए बी देन एंगल वुड बी गैमा। तो दीस थ्री आर सिंपल बेसिक फार्मूलाज जिनको हम एरिया के फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम लोग इन फार्मूलाज को प्रूफ कर लेते हैं। मैं प्रूफ करने लगा जी फर्स्ट वन विच इज हाफ बी सी इंटू साइन अल्फा, यानी जो चीज़ें मुझे गिवन होंगी उसमें दो साइड्स बी और सी एंड थर्ड एंगल अल्फा इज गिवन टू मी। स्टार्ट कर लेते हैं जी इसका प्रूफ। हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जी, कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास किसी भी से ए बी सी का, वो इक्वल होता है हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का पढ़ा हुआ जी फॉर्मूला, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी वन का। बात करने लगा जी गिवन के हिसाब से कि मुझे बी सी साइड्स और अल्फा एंगल गिवन है, तो अल्फा एंगल के लिए मेरे पास डिफरेंट केसेस बनते हैं यहाँ पे। वो कौन कौन से जी केसेस, व्हाट इफ के मेरा एंगल अल्फा जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो, पहला केस। सेकंड वन, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्या तब भी ये एज इट इज होल्ड करेगा फॉर्मूला, एंड इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम तीनों केसेस से रेलेवेंट ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं और देख लेते हैं जी इन फॉर्मूलाज को। बात करता हूँ जी मैं पहले केस में, इसको मैं नाम देता हूँ जी फिगर वन का, जिसके अंदर आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज वर्टेक्स ए, दिस एज बी, दिस वन एज सी। अब यूजुअल नोटेशंस में ए पे बनने वाला एंगल आपके पास क्या होगा जी, अल्फा। उसके अलावा क्या चीज़ें गिवन है जी, बी सी साइड्स का जिक्र है, तो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड होगी ये बी, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड होगी जी स्मॉल सी। इन दिस केस मेरा अल्फा क्या है जी, आई एम टेकिंग अल्फा लेस देन 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड ट्रायंगल पे मूव करते हैं, जिसमें इस वर्टेक्स को ए, दिस वन एज बी एंड दिस वन इज नेम्ड एज सी। मैं बात करना चाह रहा हूँ जी अल्फा एंगल के लिए, और क्लियरली वी कैन से हेयर कि यहाँ पे मेरा अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री की बात हो रही है, तो तब भी देख लेंगे। इसको नाम दे देते हैं जी हम अपनी फिगर नंबर टू का। इसके अलावा अल्फा एंगल के अलावा बी और सी का जिक्र मौजूद है, तो क्या होगा जी, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट दिस वन इज बी, और सी वर्टेक्स के ऑपोजिट ये साइड की लेंथ आपके पास सी है। एंड द थर्ड केस जिसके अंदर हम लोग लेंगे जी अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये मेरा आ गया जी ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। अच्छा, यहाँ पे बी और सी की नेमिंग की चॉइस आपकी अपनी है, आप इसको बी इसको सी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग केसेस अल्फा एंगल के लिए कर रहे हैं, अल्फा को एक बार एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट पे के हम लोग चेक करेंगे, बीसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी साइड बनेगी बी एंड दिस वन विल बी योर साइड सी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी अपनी फिगर नंबर थ्री का, जिसमें हमारा अल्फा क्या है जी, हेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये तीन केसेस हैं हमारे पास अल्फा एंगल के लिए, बारी बारी तीनों केसेस को देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जी केस वन की, जब मेरा अल्फा एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। मैंने फाइंड क्या करना था जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं इन तीनों फिगर्स के अंदर बात करूं तो एक चीज़ तो क्लियर है ना, कि यहाँ पे हम लोग बेस सी को कंसीडर कर रहे हैं, द वन हॉरिजॉन्टल वन। इसी तरह यहाँ पे भी हम सी को ही बेस ले रहे हैं, इस तीसरी में भी आ जाए तो सी को बेस ले रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, वी कैन कंसीडर बी एज बेस एज वेल, इस साइड को भी बेस लिया जा सकता है, इवन दिस वन। एंगल के एडजस्टेंट साइड को हम लोग बेस कहते हैं, जो भी आप अंडर कंसिडरेशन हो, तो दोनों में से जिसको मर्जी बेस लेके कर लें।
बट टू मेक इट कन्वीनियंट हम लोग ये हॉरिजॉन्टल साइड को ही बेस ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो बेस तीनों केसेस में मुझे क्लियरली गिवन है जी सी एफ, प्रॉब्लम इज विद हाइट, मुझे इसके अंदर हाइट फाइंड करनी पड़ेगी कि ट्राइंगल की हाइट कितनी है। अब हाइट मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो हाइट के लिए हम लोग बात करते हैं जी पहले केस में व्हेन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, बना लेते हैं जी केस वन। ये कौन सा है जी, कि जब अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, ये हमारा पहला केस है जी, दिस वन फर्स्ट फिगर से हम लोग बात करने लगे हैं। अब अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है तो ट्राइंगल की हाइट मुझे चाहिए, फॉर दैट व्हाट विल वी डू, मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ जी फ्रॉम पॉइंट सी। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया जो कि मेरी ए बी साइड को पॉइंट डी के ऊपर कट ऑफ करता है। सी से परपेंडिकुलर ड्रा करने की वजह क्या थी, हाइट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और हाइट होता है कि बेस से ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वाज आवर बेस जो हमने कंसीडर की, तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ये मेरे पास इस ट्राइंगल की हाइट है। अब ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रा किया जी सी डी ऑन ए बी। इसके बाद ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया जी ए सी डी, जिसके अंदर सी डी साइड जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है दिस वन इज अननोन, जबकि ये जो ए सी है जो इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बनता है उसकी लेंथ बी यूनिट हमें मालूम है, अल्फा एंगल मेरे पास है, मैं सी डी मालूम करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से कौन सी रेशियो डील करती है जी, साइन, तो इस्तेमाल कर लेते हैं जी उसका सी फिगर वन। हम लोग क्या इस्तेमाल करने लगे हैं जी, यूजिंग साइन अल्फा, और साइन क्या होता है जी, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस केस के अंदर परपेंडिकुलर जो है वो मेरी सी डी लेंथ है जबकि हाइपोटेन्यूज इज बी यूनिट्स, तो यहाँ से सी डी मेरे पास क्या निकलेगा, बी साइन अल्फा से आके, तो सी डी लेंथ इक्वल आ जाती है जी बी साइन अल्फा के। और ये सी डी लेंथ रिप्रेजेंट किसको कर रही है जी, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रही है हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हाइट निकल आई, नाउ फ्रॉम वन क्या होगा जी आपके पास, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन वन में कर लेते हैं इस्तेमाल। क्या था जी वन फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मेरे पास आ गया जी फ्रॉम वन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या निकल आएगा जी, वन ओवर टू बेस फिगर वन में हम लोग सी लेके चल रहे हैं, इनटू हाइट आप लोगों ने क्या ली निकाल ली है जी बी साइन अल्फा, करें जी इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको हम सिंपली इस ट्राइंगल के सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, ये किसके इक्वल आ गया जी, वन ओवर टू बी सी साइन अल्फा। और अगर आप देखें तो ये मेरे पास वही फॉर्मूला आ गया है जिसको हम लोग ड्राइव करने चले थे, दैट इज़ द फर्स्ट वन, हाफ बी सी साइन अल्फा। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया जी अपने पहले केस में जब मेरा अल्फा लेस देन 90 डिग्री था। अब देख लेते हैं जी ग्रेटर देन 90 डिग्री के केस में, सेकेंड फिगर में जब अल्फा 90 डिग्री से बड़ा, तो क्या तब भी फॉर्मूला ऐसे ही आएगा, देख लेते हैं जी उसको भी लिख लें जी। सेकेंड केस की अब बात होने लगी है हमारे पास, द केस टू, जिसके अंदर हमारा अल्फा क्या है जी, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर दिस हम लोग देखेंगे जी अपनी फिगर नंबर टू को, क्या है जी मुझे अगेन बेस इसके अंदर भी सी ही है, हाइट चाहिए ट्राइंगल की, हाइट के लिए मुझे सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, नीचे तो मेरे पास कोई साइड की लेंथ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा जी, ये जो ए बी साइड है इसको मैं करूँगा जी एक्सटेंड, इस साइड को हम थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे ताकि मैं सी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर सकूं। ये परपेंडिकुलर आ गया और जहां पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेट इट नेम एज डी। अब ये मेरे पास ए सी डी एक राइट ट्राइंगल बन गया, इवन इन दिस केस इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास ये एंगल नहीं है। एक बात मुझे पता है कि लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है जी 180 डिग्री, उसमें से इस अल्फा को करें माइनस तो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा, यानी कि ये जो बाकी का एंगल है ये आपके पास क्या होगा, इट विल बी 180 डिग्री माइनस अल्फा। मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ जी, ट्राइंगल की हाइट जो यहाँ पे सी डी रिप्रेजेंट कर रही है, इस ट्राइंगल के अंदर ये राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस है, एंगल है, परपेंडिकुलर मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से कौन डील करेगा जी, साइन डील करेगा। हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे जी साइन की रेशो का, यूजिंग वर्ड जी साइन, एंगल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है 180 डिग्री माइनस अल्फा,
यानी साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरे पास ये हाइट है ट्रायंगल की विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी डी, ओवर हाइपोटेन्यूस कौन आ रहा है जी, बी आ रहा है आपके पास, बी लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये चीज़ हम लोगों ने यूनिट नंबर 10 में देखी थी, प्रूव भी की थी कि वेन एवर साइन 180 डिग्री में से अल्फा माइनस हो रहा हो, यानी 180 डिग्री माइनस अल्फा कन्वर्जेंस इट इज इक्वल टू व्हाट, ये मेरे पास इक्वल आ जाता है साइन अल्फा के ही, इक्वल सी डी लेंथ ओवर बी, वैसे बी डिवाइड इधर आके साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मेरे पास हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगी जी, जिसको हम लोगों ने सी डी लेंथ का नाम दिया, इट विल बी इक्वल टू बी इधर आगे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होने पे बी साइन अल्फा। अगेन मेरे पास सेकंड केस में भी जब मेरा अल्फा 90 डिग्री से बड़ा था हाइट क्या आई है बी साइन अल्फा, इसको भी मैं पुट करूं जी अपने फॉर्मूला में क्या होगा जी, फ्रॉम वन फॉर्मूला में करें जी वैल्यूज पुट, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या आ जाएगा जी, एरिया वुड बी इक्वल टू 1/2, बेस आपके पास सी ही है सेकंड फिगर में भी, और हाइट सी डी कितनी निकाल दिया जी आप लोगों ने, बी साइन अल्फा, और ये अगेन ये प्रोडक्ट क्या रिजल्ट करेगी जी, ये आ जाएगा 1/2 बी सी साइन अल्फा के। तो हम लोगों ने सेकंड केस के अंदर भी अपना फॉर्मूला ड्राइव कर लिया और देखा कि फॉर्मूला वही आता है चाहे मेरा अल्फा 90 डिग्री से छोटा हो चाहे अल्फा 90 डिग्री से बड़ा हो। लास्टली एक केस हमारा रह गया द थर्ड वन, व्हेन वी आर डीलिंग विद राइट ट्रायंगल, उसकी भी बात कर लेते हैं जी। केस थ्री क्या है जी, केस थ्री व्हेन हमारा जो एंगल है अल्फा इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फॉर दिस हम लोग मूव करेंगे जी अपनी कौन से जी, फिगर नंबर थ्री पे। अगर मैं तीसरे फिगर में बात करूं, सो इन थर्ड फिगर मेरे पास हाइट ऑफ ट्रायंगल ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, सी से परपेंडिकुलर रैपिड ड्रा किया ये सी है, हाइट कितनी आ रही है आपके पास बी, बेस आपके पास कितनी है सी, इन दिस आई कैन सी के जो हाइट है मेरे पास किसकी जी, ट्रायंगल ए बी सी की, वो इक्वल है बी के। लेकिन अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, आई कैन राइट इट एज बी इंटू वन, और वन किसके इक्वल होता है, वन को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री। इन थर्ड केस 90 डिग्री मेरा अल्फा एंगल था, यानी कि हाइट मेरे पास अगेन किसके इक्वल आ गई थी, इट इज़ इक्वल्स टू बी साइन अल्फा, ये है जी मेरे पास हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाइट निकल आई। अब अगेन इसको भी पुट कर लीजिए अपने फॉर्मूला में, ये वन में बेस आपके पास क्या थी जी सी, तो फ्रॉम वन यहाँ पे अगेन बात आपके पास क्लियर होगी जी कि हमारा फॉर्मूला एज इट इज ही होल्ड करेगा। वैल्यूज पुट करूँगा जी तो क्या आ जाएगा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 बेस वाज सी, हाइट आई है जी बी साइन अल्फा, यानी के फ्रॉम हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन आ गया 1/2 बी सी साइन अल्फा के। तो हम लोगों ने देख लिया तीनों केसेस के अंदर, कौन कौन से जी, तीन केस, चाहे मेरा अल्फा 90 डिग्री से लेस हो चाहे ग्रेटर हो चाहे इक्वल टू 90 हो, तो वी सी इन ऑल थ्री केसेस मेरे पास फॉर्मूला हाफ बी सी साइन अल्फा ही आएगा, चाहे अल्फा लेस देन 90 हो ग्रेटर देन 90 हो या इक्वल टू 90 डिग्री का केस हो। मैंने ये फॉर्मूलाज प्रूव किया जी साइड बी सी और एंगल अल्फा को कंसिडर करते हुए। अगर मैं इन्हीं फॉर्मूलाज को एंगल बीटा के साथ ए सी साइड्स या एंगल गैमा के साथ ए बी साइड्स में प्रूव करना चाहूँ तो व्हाट चेंजेस शुड आई मेक, उसके लिए क्या करेंगे जी आप लोग, आपने अल्फा एंगल कंसिडर किया, अल्फा एंगल की जगह मुझे किस एंगल को कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा जी, बीटा एंगल को लाना पड़ेगा। तो बीटा एंगल के केस में जब ये वाला एंगल मैं कंसिडर करूँगा, दिस वन विल बी नेम्ड एज बीटा, और साइड मुझे कौन सी गिवन होगी जी, बीटा के साइड पर बी साइड नहीं, आई विल बी गिवन साइड ए, ए और सी को यूज़ करते हुए मैं हाइट कैलकुलेट करूँगा एंड देन ये फॉर्मूला में पुट करूँगा। अगर सेकेंड केस में आऊँ तो यहाँ पे बीटा ग्रेटर देन 90, उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा जी, मैंने पहले इस पॉइंट को ए का नाम दिया था, मैं इसको बी का नाम दूंगा, ये एंगल बीटा बन जाएगा एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वो बीटा एंगल के साथ सेम मूव करेगा। थर्ड केस में बीटा को 90 डिग्री कंसिडर करना होगा,
इस वर्टेक्स राइट ट्रायंगल वाले वर्टेक्स को पॉइंट बी का नाम दे दे तो ये एंगल क्या बन जाएगा, बीटा। जब आप ये एंगल की नेमिंग चेंज करेंगे तो उसी के रिस्पेक्टिव मेरे पास आगे भी हाइट के अंदर चेंजेस आती जाएंगे एंड फॉर्मूला अगेन वही प्रूव होगा जो ये लिखा हुआ है सी ए साइन बीटा। इसी तरह अगर गैमा के इन टर्म्स में करना चाहते हैं तो मैं ये सी एंगल को कंसिडर करूँगा, चाहे तो इसी को लेके चलें, चाहे आप नेमिंग इन्वर्ट कर दें, इस एक जगह सी को यूज़ कर लें एंड देन सारे अपनी चेंजेस अकॉर्डिंगली बना लें। आगे यहाँ पे बात करें गैमा को ग्रेटर देन 90 लेना होगा तो इस वर्टेक्स को सी नाम दे लें, ये गैमा हो जाएगा, ये एंगल 180 माइनस गैमा बनेगा, तो परपेंडिकुलर भी आपका साइन गैमा के इन टर्म्स में ही आएगा। और इसी तरह थर्ड राइट एंगल के केस में क्या होगा, ये वर्टेक्स सी तो ये एंगल गैमा बन जाएगा एंड उसी के कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस अकर होंगी। तो इट इज़ ईजी इन ऑल थ्री केसेस, चाहे आप अल्फा में करें, बीटा में या गैमा में, बस उसी के रिस्पेक्टिव हमें चेंजेस करने पड़ेंगे।